अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम पाकिस्तान मैरीन एग्जीबिशन के अंदर मौजूद हैं और ग्लोबल ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के स्टॉल पर हैं। वलीद साहब और मोहसिन साहब हमारे साथ हैं। सर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। ग्लोबल ग्रुप ऑफ कंपनीज़ क्या क्या काम करती है? ग्लोबल ग्रुप ऑफ कंपनीज़ जो है एक इंटरनेशनल ग्रुप है जिसके अंडर 3-4 कंपनियाँ आती हैं। प्राइमरीली हमारा काम US के अंदर है, हमारा हेड ऑफिस जो है US के अंदर है, लेकिन उसके अलावा दुनिया भर में हमारा सिंगापुर, नैदरलैंड, कैनेडा, ओमान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, शिप सप्लाई का हमारा काम है। जितनी तमाम वेसल चल रही है, दुनिया की बड़ी शिप मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं, उनके साथ हमारे माहदे हैं। इसके अलावा हमारी एक और कंपनी है जो सेफ्टी सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है, सेफ्टी के मामलों में डील करती है। और उसके अलावा हमारी एजेंसी है US के अंदर, जितनी बहरी जहाज़ है उनकी एजेंसी का काम हमारा है। और एक मार्केटिंग की भी हमारी कंपनी है जो कि दुनिया भर की बहरी कंपनियाँ जो हैं उनके लिए मार्केटिंग करती है। तो ये की अम्ब्रेला ग्रुप है US बेस्ड, जो कि पाइमैक में इस बार शिरकत कर रहा है और हम लोग बहुत खुश हैं यहाँ पे, और बड़ा अच्छा इवेंट इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। सर, ये जितने सारे काम बताए हैं ये बड़े टेक्निकल हैं मोहसिन साहब, और ये एग्जीबिशन भी एक बड़ी हाई प्रोफाइल एग्जीबिशन है। इस सारी चीज़ को आप कैसे देखते हैं, आप अपनी कंपनी को कैसे रेट करते हैं, कितना क्वालिटी कॉन्शियस है अभी? जी अच्छा, देखिए रिसेंटली पुराने ज़माने में तो शिप ओनर की अहमियत होती थी, लेकिन पिछले समझ लीजिए कुछ डेकेड से सारा काम चला गया शिप मैनेजर्स के पास। उनका काम होता है जहाज़ को कॉस्ट इफेक्टिव वे में रन करना, और जाहिर बात है कि बहुत बिजनेस ऐसा है कि इसमें बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है मार्केट, तो उसको बहुत एहतियात से करना पड़ता था। हम जैसी कंपनियाँ जो हैं, हम लोगों ने अब ये किया है कि जो शिप मैनेजर्स होते हैं उनको वन विंडो ऑपरेशन देते हैं हम, यानी कि दुनिया में कहीं भी उनका जहाज़ होगा वो हमें कॉन्टैक्ट करेंगे, उस पर ये सर्विस प्रोवाइड कर दो। सर्विसेज की कोई लिमिट नहीं है, यानी कि उसमें रिपेयरिंग है, स्पेयर सप्लाई है, स्टोर सप्लाई है, उसके अलावा हम मतलब पूरी चेंज में भी हेल्प कर देते हैं उनकी। तो हम ये अब इसका नाम है सर्विसेज कंपनी, तो हर टाइप की सर्विसेज देते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के रेफरेंस से इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये मल्टीनेशनल कंपनी है, वाहिद पाकिस्तानी ओन्ड। पाकिस्तान में आपको पता है इस डॉलर्स का इशू है, तो हम PNSC को ये ऑफर करने वाले हैं कि हमें आप यहाँ रुपये में पेमेंट करें, सारी दुनिया में हम आपके जहाज़ देखेंगे, डॉलर नहीं चाहिए, वरना उनको डॉलर देने पड़ते हैं बाहर, बहुत मुश्किल है उसकी। तो हमसे काम करेंगे तो हम यहाँ से रुपये में लेके बाहर जहाँ भी उनको सर्विस देंगे, तो पाकिस्तान की एक बचत होगी। आपके लिए बड़ा मुश्किल नहीं होगा बिजनेस को इस मॉडल पे काम? असल में हमारा काम इस तरह का है कि हम लोग एक्सपोर्टर भी हैं स्पेयर पार्ट्स के, तो हमें जो उससे इनकम जनरेट करती है उससे हम लेवल ऑफ करेंगे। तो हम स्पेयर पार्ट भेजते हैं ना, उससे डॉलर आते हैं हमारे पास, तो हम उसको कहीं ना कहीं उससे मैनेज करेंगे। अच्छा वली साहब, ये आपने बताया कि आपकी US बेस्ड है, इस वक्त पूरी दुनिया में ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम है और US में भी परेशानी है, रिसेशन है, तो इस सारे बिजनेस के अंदर इस आपके जो शिपिंग बिजनेस है उसको कितना इफेक्ट किया है, और आप लोगों ने इससे निकलने के लिए क्या स्ट्रेटजी बनाई है? देखिए, शिपिंग का जो बिजनेस है कोविड और कोविड के बाद तो बूम ही कर रहा है, दुनिया भर के अंदर ये बिजनेस बाय एंड लार्ज बूम कर रहा है, विच इज़ वाई हम समझते हैं कि पाकिस्तान के पास अभी आइडियल अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो इसके अंदर इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहें, पाकिस्तान की इंडस्ट्री को हम तरजीह दें। जैसे मोहसिन साहब ने बोला, आपने इनसे एक सवाल किया कि हमारे लिए इसमें क्या बेनिफिट है कि हम रुपयों में PNSC से लें पेमेंट और डॉलर की ज़रूरत नहीं है हमें। तो सबसे पहली बात तो ये बिज़नेस असाइड मोहब्बे वतनी, हम पेट्रियाटिक लोग हैं, हम आज US से इधर आए हुए हैं अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो जो भी हम अपने एंड से अपने मुल्क को ऑफर कर सकते हैं हम वो करना चाहेंगे। तो आई थिंक सबसे जो आउटलाइन है वो ये है कि हम अपने वतन से वतन को सर्विस देना चाहते हैं एज़ फार एज़ वी कैन गो, बींग एन इंटरनेशनल। थैंक यू वेरी मच सर।